नमस्कार, यूबीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूबीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूबीएन 08 के साथ। देखते रहिए यूबीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूबीएन 08 के साथ। अशोकनगर से अंजलि जैन की रिपोर्ट। नगर परिषद मुंगावली के सीएमओ विनोद उन्नीतान के स्थानांतरण पर नगर परिषद मुंगावली के समस्त कर्मचारियों द्वारा नगर परिषद के ही विशाल सभा कक्ष द्वारा नगर पार्टी का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विनोद उन्नीतान सहित शहर के वरिष्ठ अधिकारियों में एसडीएम एवं तहसीलदार भी उपस्थित रहे। मुंगावली सीएमओ विनोद उन्नीतान ने सदा जनता के सुख दुख में साथ दिया है। भावभीनी विदाई में समस्त नगर परिषदीय कर्मचारी सहित अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम एवं तहसीलदार ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए सीएमओ विनोद उन्नीतान के कार्यों की प्रशंसा की। वहीं तहसीलदार दिनेश सावले ने विनोद उन्नीतान की कर्तव्यशीलता एवं नगरीय विकास के कार्यों की शीर्षता बताई। समस्त कर्मचारियों ने भी अपने अपने विचार रखे। भावभीनी विदाई कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय सांसद विनोद सावले एवं नगर परिषद मुंगावली का समस्त स्टाफ, जैसा कि आप सभी लोगों ने कहा, वास्तव में कहने तो मुझे लगता है हर कोई व्यक्ति चाहता है, लेकिन एक ये ऐसा अवसर होता है, भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना बड़ा कठिन होता है। मुझे लगभग मैं लास्ट मार्च में यहाँ आया था, सब साल हो गया है अभी यहाँ पर। बैठो बैठो, बैठी बैठी प्लीज। तो मतलब और मैं तकरीबन 8-10 जिलों में घूम चुका हूँ। ये कोई मुंह देखी बात नहीं, बट ईमानदारी की बात है, मुझे आज तक सबसे बेहतर सीएमओ और मुझे लगता है कि मुंगावली में मैंने जो महसूस किया है, वास्तव में जैसे मुंगावली और सीएमओ साहब विनोद उन्नीतान एक्चुअल में एक दूसरे के पर्याय बन चुके थे। मतलब जहां सीएमओ साहब का जिक्र होता था, मुंगावली का नाम याद आता था। आप लोग प्लीज बैठ जाइए, सब लोग खड़े हो। और जहां सीएमओ साहब का नाम आता था तो जहन में दिमाग में कहीं ना कहीं चर्चा में मुंगावली आता था। मतलब कि इन्होंने उस मुकाम तक के मुंगावली को पहुंचा दिया था। तो ये बहुत कम लोगों में बात होती है, संसाधन वही होते हैं, व्यक्ति वही होते हैं, कर्मचारी, लेकिन मुखिया के साथ। कल मैं जब यहाँ आया तो जितेन और इन लोगों से बात कर रहा था कि यार वास्तव में कुछ मुझे बड़ा अजीब सा दिल से खाली लग रहा था। मतलब देखिए, आदमी की कार्य करने की पद्धति, तस्वीरों में मैंने बोला भी था कि यार ये यहाँ मीटिंग हॉल में पता नहीं आप लोग के यहाँ क्या क्या रख दिया सामान वगैरह। मतलब एक थोड़ा सा जो एक वातावरण था, उसमें मैं कल जिक्र भी कर रहा था इनसे कि जो रूपरेखा है या जिस प्रकार का वातावरण था जो आपके समय में, निश्चित तौर पे आपने बहुत बेहतर काम किया है। और प्रशासनिक अधिकारियों से काम लेना भी एक कला है। मतलब सीएमओ साहब जहाँ भी जिस प्रकार से जिनका जो प्रस्तुति होता था, तो वहाँ कोई क्यों क्या कैसी की गुंजाइश नहीं होती। जिस हिसाब से ये प्रेजेंट करते थे कि साहब अपने को ये काम करना है, इसके ये उद्देश्य है, इससे इतना जनता का लाभ होगा वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। तो और आप देखेंगे कि देखिए, ट्रांसफर तो एक प्रक्रिया है, शासकीय प्रक्रिया है, कोई भी शासकीय सेवक को आना जाना होता है, ये सतत चलते रहेंगे, लेकिन स्थानांतरित